अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन हजरात, आप तमाम का नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में इस्तकबाल है। नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल की जानिब से कर्नाटका TET, CET, GPSTR और मज़ीद उर्दू मीडियम तलबा के लिए वीडियोज़ बनाए जाते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कर्नाटका TET 2024 कब होंगी उसके मुताल्लुक होगा, और इसी तरह साथ ही साथ उसकी तैयारी कैसा करना, उसका सिलेबस क्या होगा, उसके मुताबिक भी आपको तफसील से बताया जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखिएगा, हुकूमत कर्नाटक की जानिब से क्या है, यहाँ पर जो TET चलाते हैं उनकी जानिब से एक सर्कुलर आया है, कब, 11/2/2024, यानी 4 दिन पीछे, दो 4 दिन पीछे, ये 1 तारीख को आया है। क्या है सर्कुलर? सर्कुलर में मजमून, विषय, मजमून क्या है? 2024 का कर्नाटका परीक्षक अर्हता परीक्षक यानी KRTET के परीक्षा केंद्र माहितियन्नो सलिसो बगे। तो इसका मतलब यह है कि 2024 में जो कर्नाटका TET चलाई जाएगी उस वक्त इम्तिहानी मराकज की माहिती क्या है, मालूमात पूछे गए वो ज़िले सतह पर। तो उस मौके पर क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्नाटका TET 2024 कब होगी, जून के महीने में बताया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारा MP का इलेक्शन हो जाएगा उसके पीछे ही मेरे अंदाजे के मुताबिक TET कॉल फॉर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो TET जून 2nd, 3rd या 4th वीक में हो सकते हैं। तो इसी मौके पर, इस मौके को गनीमत जानकर, जिन जो तलबा भी TET में कम TET एलिजिबल नहीं हुए वो तलबा, और जिनकी TET में मार्क सिर्फ 90, 91 या 100 के आसपास है, तो बेहतर है कि वो भी अच्छी तैयारी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नंबर लेने पर GPSTR की इम्तिहान के बाद जो रैंकिंग लिस्ट आता है वहाँ पर TET का भी अहम रोल होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करें, एक इस मौके को गनीमत जानें। तो इस लिहाज से क्या है, यहाँ पर ये मालूम पूछे गए हैं। तो इस हिसाब से पता चलता है कि जून के महीने में कर्नाटका TET 2024 के हो जाए। तो अच्छा, हम इस मौके पर अगर इस तरह से जून में TET हो जाएंगे तो GPSTR कब होगी? GPSTR यानी TET के बाद GPSTR कब होगी? तो इस हिसाब से उनका कहना है, हुकूमत कर्नाटक के जो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह हैं, तो उनका कहना है कि 2024 में क्या है, हम GPSTR कॉल करेंगे। तो इस हिसाब से देखें तो जून में अगर TET हो जाए तो जुलाई में रिजल्ट आएगा। हाँ, तो अगस्त तक क्या है, आपके TET के मार्क्स शीट वगैरह आपको पहुंचा दिए जाएंगे अगस्त या सितंबर तक। तो इस हिसाब से अक्टूबर के महीने में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों के अंदर क्या है, GPSTR कॉन्फर्म हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है, हम GPSTR की तैयारी और कर्नाटक TET की तैयारी किस तरह से करना उसके मुताबिक जानने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। तो अब इसके बाद हम आएंगे कि कर्नाटक TET जो इस तरह से 24 में चलाया जाएगा उसमें आने वाले, यानी उस कर्नाटक TET में कौन सा सिलेबस होगा उसके मुताबिक देखिएगा। यहाँ पर सिलेबस एक कन्नड़ा में भी है, इसी तरह से आपको उर्दू PDF भी मिल जाएगा। अगर आप इस तरह के PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है। हाँ, उसमें ज्वाइन होकर क्या है, आप ये तमाम PDF हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये तमाम सिलेबस है। हाँ, इसके बाद ये उर्दू, कन्नड़, इंग्लिश और यानी लैंग्वेज का सेम आता है, और साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के साथ साथ आपको मिल जाएगा फिर सोशल साइंस, साइंस Paper 1 Paper 2 के लिए। ये तमाम सिलेबस क्या है, इसकी कॉपी आप मेरे नवाजल यूट्यूब चैनल में जाकर क्या है, यानी माफ़ कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप, नवाजल उर्दू टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसी PDF को नहीं, यानी मैं पहले जितने भी PDF वगैरह वहाँ पर डाला हूँ, तमाम क्वेश्चन पेपर, वीडियोस वगैरह वहाँ से आप देख सकते हैं। और हमारे नवाजे यूट्यूब चैनल में
गुज़िश्ता साल के जितने भी टीटी हो गए हैं उन तमाम के सवालती प्रश्नों को हमने हल किया है, आप वहाँ भी देख सकते हैं यूट्यूब चैनल में। अब ये सिलेबस के मुतालिक होगा, हो गया। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है कि इस हिसाब से यहाँ पर सिलेबस के साथ साथ किन किताबों को हमें पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें पढ़ना है। देखिएगा, सजेस्टेड रेफरेंस बुक्स फॉर टीटी, यानी 2022 का है ये सर्कुलर, लेकिन फिर भी वो आपको चाहिए नहीं था, किताबें तो वही होंगी, उन्हीं किताबों में से सवाल निकाले जाएंगे। तो इस हिसाब से इस पीडीएफ को भी क्या है, आप मेरे नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये भी पीडीएफ है, तमाम है यहाँ पर। देखो, भाषा ज्ञान लैंग्वेज के मुतालिक है, लैंग्वेज तेलुगु मलयालम, देखो आपको उर्दू भी मिल जाएगा यहाँ पर। देखिए, संस्कृत एजुकेशन, हिंदी, मराठी, तेलुगु, हाँ देखिएगा, उर्दू का भी मिल जाएगा। ये इन किताबों को पढ़ना है होगा हमें उर्दू में। हाँ, इसके मुताबिक भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, आप हमारे नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल में जा करके है देख सकते हैं। हाँ, उसी तरह साइकोलॉजी का है और सोशल साइंस के हैं, सोशल साइंस है, मैथ्स है, तमाम है। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, इस नोट को भी पढ़ सकते हैं आप। हाँ, उसी तरह साथ ही साथ देखिएगा, उर्दू का जो है लैंग्वेज उर्दू के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू अगर आप टीटी में लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर उस जो कनाडा में था उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके, हाँ उसके रेफरेंस बुक वगैरह, ये तमाम मालूमात आप क्या है नवाज़े उर्दू टेलीग्राम ग्रुप में हासिल कर सकते हैं। हाँ, इसी के साथ साथ आपको ये बात बताता चलूँ कि हम आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मई के महीने से क्या है, मई के महीने में यहाँ पर हम कुछ कोशिश करेंगे, मेहनत इंशाल्लाह। किस बात पर, देखिएगा, कर्नाटक में पहली बार क्या है उर्दू जबान हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के वीडियोस डालने वाले हैं, और ये तमाम क्या हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारे नवाजे उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह से इसमें क्या क्या सिलेबस होगा हमारा, देखिएगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस होगा, यहाँ पर 13 सबक है, 13 सबक यानी हर सबक का, हर एक सबक का अलग अलग से उर्दू में आपके सामने क्या है हम पेश करेंगे, मुकम्मल मालूमात के साथ, वजाहत के साथ, तशरीह करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, और उसी तरह उसके आगे का हिस्सा 14 से 23, कुल क्या है हमारे पास अब फिल वक्त 23 असबाक का के मालूमात उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, अब सिर्फ उसको सेटअप देकर वीडियो शुरू करना है। इंशाल्लाह हम जल्द जल्द उन वीडियोस को शुरू करेंगे। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसी तरह आप इस मौके को गनीमत जानकर क्या है टीटी, जीपीएसटीआर और सीटी की तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि 2024 का जो उन्होंने 2024 में जो उन्होंने टीटी का फॉर्म करने वाले हैं, तो इस हिसाब से पता चलता है कि जीपीएसटीआर भी नज़दीक है। इसीलिए क्या है ये हमारा जो वीडियोज हैं साइकोलॉजी के, आपको सिर्फ न सिर्फ टीटी के लिए, जीपीएसटीआर के लिए भी अहमियत क्या मिला, वहाँ पर भी उसकी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसलिए क्या है आपसे हमारी सलाह है कि अभी से, आज ही से, अभी से इसकी तैयारी के लिए क्या है कमर कस लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए हम हमा वक्त तैयार रहेंगे और हमारे नवाज़े उर्दू यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा। मज़ीद इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आगे इस यूट्यूब चैनल पर बने रहेगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।